बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खबरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। नाजरीन, बिल्लियां पालतू जानवरों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जानवर हैं। हम में से कई अफराद बिल्लियाँ पालने के शौकीन होते हैं या फिर इन्हें देख कर ही खुश हो जाते हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि बिल्ली घर में पालने के क्या आदाब हैं, दीन इस्लाम ने इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। जबकि कुछ लोग तो ये सवाल भी पूछते हैं कि बिल्ली को पैदा किए जाने के पीछे क्या बात है, आखिर इसको क्यों पैदा फरमाया गया। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमारी कोशिश है कि हम इन तमाम सवालात के जवाबात आपको दें और इससे आपकी तसल्ली हो जाए। दोस्तों, एक मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हकीम और अलीम है। इसके सब काम हिकमतों पर मबनी है। वो किसी चीज को फजूल और बेफायदा पैदा नहीं फरमाता और इसके सारे अफाल हिकमतों पर ही होते हैं। तो अगर किसी फेल की हिकमत मख्फी रहे और इसका इल्म ना हो सके तो मोमिन को असल की तरफ लौटना चाहिए कि इसमें कोई हिकमत है, लेकिन वो इसको समझने से कासिर है और अपने रब के बारे में कोई भी गलत गुमान पैदा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मखलूकात की कसरत के बावजूद अल्लाह ताला सबको रिस्क फराहम करता है और कोई भी इंसान किसी का राजिक नहीं हो सकता। राजिक सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको मजीद मालूमात से भी आगाह करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल खबरी टीवी की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे मोदबाना इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। दोस्तों, बिल्लियों को पहले शायद घरों में इसीलिए पाला जाता था कि ये चूहे खाती है और आज तक ये जहाँ अनाज महफूज किया जाता है इस तरह के मकसद के लिए भी पाली जाती है। बाद अजा इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाले जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे लंबे छोटे बाल होते हैं जिसकी बुनियाद पर इनकी अकसाम और नस्लों का तयन किया जा सका है। बाज बिल्लियों की नस्लों का तयन इनके वजन के हिसाब से किया जाता है। कुछ बिल्लियां बहुत ही मोटी होती हैं और कुछ बिल्लियां बहुत ही स्मार्ट और दुबली पतली होती है और इनका वजन भी कम होता है। दोस्तों, अगर आप बिल्लियाँ पालना चाहते हैं तो ये चंद बातें अपने जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए की एक बिल्ली की उम्र आखिर कितनी होती है। बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, बिल्ली के पंजे की जड़ में मौजूद नाखूनों को काटने से परहेज करें और ये मरहला इनके लिए बहुत ही तकलीफ दे होता है। इसकी जगह इन्हें किसी खुदरी जगह पर रखा जाए ताकि वहाँ पर ये अपने नाखूनों को रगड़ कर खुद ही ठीक कर लें। लेकिन अगर बिल्लियों के नाखून बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो हर 2 से 3 हफ्ते के बाद इनके नाखूनों को काटा जा सका है। अगर आपके घर में बिल्ली के अलावा दूसरे पालतू जानवर भी हैं तो तमाम जानवरों को एक दूसरे से मुतारफ करवाएं ताकि वो एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रह सकें। अंगूर, किशमिश और खमीरा आटा बिल्ली के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है, लिहाजा ये चीजें कभी भी इसे खाने के लिए ना दें। दोस्तों, बिल्लियां अपने आप को खुद ही चाट कर साफ सुथरा रखती है। अगर आप इनके बालों में कंघा करने की कोशिश करेंगे तो ये इन्हें बहुत ही नुकसान देगा और इससे इनके बालों की तादाद कम होती जाएगी। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि इनकी बिल्लियों के बाल कम होते जा रहे हैं, जबकि वो इस बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे होते हैं कि जो कंघा वो कसरत से अपनी बिल्ली के बालों में फेरते हैं। आखिर यही वजह है कि बिल्ली के बाल कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बिल्लियों के दांतों को कैसे साफ किया जाए। बिल्लियों के दांत साफ करना एक मुश्किल काम है, तहम कोशिश करके हफ्ते में 1 से 2 बार ये काम करना आपकी बिल्ली को सेहतमंद रखेगा। लेकिन याद रहे कि इसके लिए आपको जानवरों के लिए मखसूस टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। नरम रुई से बिल्लियों की आंखें साफ करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल खबरी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।